यहाँ पे फाइल मेनू बार के अंदर अगला ऑप्शन आता है ओपन का। अब ओपन को समझिए कि ओपन क्या करता है। आप जब ओपन करते हैं तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ वर्कबुक आता है, लेकिन जब आप होम जब पे वर्कबुक देखा था तो होम पे यहाँ पे थोड़ा सा कम लिस्ट था, बट न्यू में आपका लिस्ट इसमें ओपन में लिस्ट ज़्यादा होता है। तो यहाँ आपके पास सबसे पहले पिन वाले सेक्शन आते हैं कि जो आप फाइल पिन कर रखे हैं ऊपर एरिया है। तो पिन करने से क्या होता है कि वो लिस्ट से हटता नहीं है। अगर आपने मान लीजिए फोर ऑटोमेशन को मैंने पिन कर दिया तो अब ये चला जाएगा पिन वाले लिस्ट में, और ये जब मान लीजिए बहुत सारे फाइल में ओपन करूँगा तो ये पिन लिस्ट यहाँ से चेंज नहीं हो। दूसरा, यहाँ पर जो लिस्ट है ना वो डेट के हिसाब से सेग्रीगेट होता है, जैसे कि टुडे मतलब कल, आज जो मैंने ओपन किया है, स्टरडे कल जो हमने ओपन किया था, उसके बाद दिस वीक हम इस वीक में कौन कौन फाइल ओपन कर रखे हैं, लास्ट वीक में कौन कौन फाइल ओपन किए हैं और उससे पहले कौन कौन है। तो इससे क्या होता है हमें समझने में काफ़ी आसानी होती है, आप इसका यूज दे सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपकी फाइल इस लिस्ट में नहीं है, कोई और फोल्डर में, तो आप यहाँ ब्राउज करके फोल्डर ओपन करते हैं। यहाँ आप फोल्डर को भी देखिए, यहाँ पर रिसेंट ओपन फोल्डर भी यहाँ पर आता है इसमें, और यहाँ आप फोल्डर को भी पिन कर सकते हैं। जैसे मैंने डैशबोर्ड को पिन कर दिया, अब ये आपका पिन वाले ऊपर में चला गया। तो मतलब कि जितना भी फोल्डर में ओपन कर लूँ ये बाकी लिस्ट तो चेंज होगी बट पिन वाला लिस्ट चेंज नहीं होगा। अब इसके बाद आपके पास एफटीपी है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो होता है, एफटीपी वेब स्पेस जो होता है गूगल ड्राइव टाइप का, आप ये यहाँ पे उसको ऐड कर सकते हैं। वो वन ड्राइव है और वन ड्राइव फॉर बिजनेस है, ठीक है, वन ड्राइव ऐसे तो मेरा ऐड है, आप भी यहाँ ऐड कर सकते। लेकिन इसके लिए आपके पास होना चाहिए शेयर विथ मी, मेरे साथ जो फाइल ओपन की लिस्ट आता है, ओके। तो ये हमारा ओपन का।